नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज चर्चा करूंगा पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान की, जो मंगलवार यानी 6 अप्रैल को होने हैं। कुल 31 सीटों पर मतदान होने हैं और ये दौर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले कि मैं इस पर आगे बात करूं, आपसे अनुरोध करूंगा एक बार फिर कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और टिप्पणियों के जरिए मेरा उत्साह बढ़ाएं, धन्यवाद। अब चुनाव की बात। पश्चिम बंगाल में 6 अप्रैल को तीसरे चरण के मुकाबले में युवा और अनुभवी चेहरों के बीच टक्कर होगी। पहले दो चरणों में तमाम निगाहें नंदीग्राम और जंगल महल इलाके पर टिकी थीं, लेकिन तीसरे दौर में हावड़ा, हुगली और दक्षिण 24 परगना की जो 31 सीटें हैं, इन पर भी मुकाबला कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस दौर में जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सामने अपना सबसे मजबूत गढ़ बचाने की चुनौती है, वहीं ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी के लिए भी यह दौर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। दक्षिण 24 परगना को अब भी तृणमूल कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है और बीते विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यह बात साफ हो जाती है कि टीएमसी के लिए यह तीसरा चरण कितना अहम है। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इन 31 में से 29 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि बाकी दो में से एक एक सीट सीपीएम और कांग्रेस को मिली थी। और बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, उसने अपने सीटों की तादाद 2 से बढ़ाकर 18 की थी। बावजूद उसके इन जो 31 सीटों पे चुनाव होने हैं वहाँ वह टीएमसी के वोट बैंक में खास सेंध लगाने में कामयाब नहीं रही थी। पहले दो चरणों में जहाँ मतदान हुआ वहाँ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के स्टार उम्मीदवारों की भरमार थी, लेकिन तीसरे दौर में तस्वीर कुछ अलग नज़र आती है। इस दौर में पापिया और तनुश्री जैसे नए चेहरों के साथ कांति गांगुली और विमान बनर्जी जैसे अनुभवी उम्मीदवार भी मैदान में हैं। तीसरे चरण में जिन सीटों पर सबकी निगाहें रहेंगी उनमें दक्षिण 24 परगना जिले की बारहवीं पश्चिम सीट शामिल है। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी तृणमूल के टिकट पर मैदान में हैं और इसी जिले की रायदिघी सीट पर सीपीएम ने एक बार फिर अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कांति गांगुली को मैदान में उतारा है। हालांकि 2011 और 2016 में इस सीट पर वो चुनाव हार गए थे तृणमूल की उम्मीदवार अभिनेत्री देवश्री राय से, लेकिन इस बार टीएमसी ने देवश्री को टिकट नहीं दिया है, इसलिए कांति गांगुली यहाँ पूरा जोर लगा रहे हैं इस सीट पर दोबारा कब्जा करने के लिए। हुगली जिले के तारकेश्वर में भी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने यहाँ राज्यसभा के पूर्व सांसद स्वपन दास गुप्ता को मैदान में उतारा है और यहाँ उम्मीदवारी की वजह से उनको राज्यसभा की सीट से इस्तीफा भी देना पड़ा था। शुरुआती दौर में विवाद हो गया टीएमसी सांसद महुआ मित्रा के ट्वीट की वजह से और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ तक अपनी रैलियाँ कर चुके हैं इस दौर में। हावड़ा जिले की उलूबेड़िया सीट पर राज्य के पूर्व मंत्री निर्मल मांझी मैदान में हैं। इसके अलावा इसी जिले की आमता सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार असित मित्र भी जीत की हैट्रिक का दावा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि वर्ष 2011 और 2016 में टीएमसी की भारी लहर के बावजूद मित्र ने यह सीट जीती थी, इसलिए उनको उम्मीद है कि इस बार भी वो यहाँ जीत हासिल करने में कामयाब रहेंगे। वर्ष 2016 से 19 के बीच इस चरण की जो 31 सीटें हैं वहाँ भाजपा को मिलने वाले वोट बढ़े हैं, और लेकिन 2019 में भाजपा की लहर के बावजूद टीएमसी के वोट भी बढ़े हैं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के सामने जहाँ वर्ष 2019 के नतीजों को बरकरार रखने की चुनौती है, वहीं भाजपा के सामने भी 2016 के बाद लगातार उसके वोट जो बढ़ रहे हैं उसमें जो वृद्धि है वो चाहेगी कि वो वृद्धि और तेज हो और इस दौर में अधिक से अधिक सीटों पर उसका कब्जा हो। अब दक्षिण 24 परगना की 31 सीटें हैं और इस दौर में 16 सीटों पर कल मतदान होना है, तो पिछली बार इन 16 में से 15 सीटें टीएमसी ने जीती थी जबकि कुलतली सीट सीपीएम को मिली थी। इसी तरह हावड़ा जिले के आमता सीट है कांग्रेस को मिली थी, बाकी टीएमसी जीती थी। लेकिन लोकसभा नतीजों के को ध्यान में रखें तो
कुलतली और आमता सीट पर भी तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिली थी। बीते विधानसभा चुनाव में इन 31 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को 50.18, लेफ्ट फ्रंट को 28.20 और भाजपा को महज 6.91% ही वोट मिले थे। लेकिन 3 साल बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो हुगली जिले की 2 सीटों यानी पुरसुड़ा और गोघाट में भाजपा बाकी दलों से आगे थी और बाकी 29 पर तृणमूल कांग्रेस बढ़त पर थी। ये वर्ष 2016 से 2019 के आंकड़ों को ध्यान में रखें तो तमाम दलों को मिलने वाले वोट बढ़े हैं कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़कर। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के वोट जहां 50.18 से बढ़कर 51.05% हो गए, वहीं लेफ्ट के वोटों में भारी गिरावट आई और यह 28.20% गिरकर 6.71% रह गया। इसी तरह कांग्रेस के वोटों में भी लगभग 8% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी को जो मिलने वाले वोट हैं वो बढ़कर 37.45% तक पहुंच गए। इससे साफ है कि लेफ्ट और कांग्रेस के लगभग तमाम वोटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। लेकिन वोट प्रतिशत के लिहाज से तृणमूल कांग्रेस से पीछे होने के बावजूद भाजपा इस चरण में आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रही है। इसकी वजह है चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का पार्टी में शामिल होना और उनमें से कई दल बदलू नेताओं को उम्मीदवार भी बनाया है बीजेपी ने। तो और तीसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और तमाम केंद्रीय मंत्री और नेता यहाँ चुनाव प्रचार कर चुके हैं। और दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी इलाके में दर्जनों रैलियां कर चुके हैं। अभिषेक बनर्जी जो दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर सीट से ही सांसद हैं, उन्होंने दावा किया है कि तीसरे चरण की सभी 31 सीटें उनकी पार्टी ही जीतेगी। और आपको तो याद ही होगा कि बीजेपी के तमाम नेता बुआ भतीजे की जोड़ी पर करारे हमले करते रहे हैं अपने चुनाव प्रचार के दौरान और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। तो वो भतीजे अभिषेक बच्चन ही हैं, तो ऐसे में अभिषेक के इलाके में ही ये चुनाव हो रहा है तो ये उनके लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। और सत्ता के जो दावेदार दोनों दल हैं तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने इस बार कई सितारों को उम्मीदवार बनाकर जमीन पर उतारा है। और राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि पहले 2 चरण में भले नंदीग्राम सीट सब पर भारी पड़ी हो, तीसरा चरण भी कम दिलचस्प और अहम नहीं है। इसमें ज़्यादातर सीटों पर युवा और सितारा उम्मीदवारों का मुकाबला अनुभवी राजनेताओं के साथ है, तो ये चरण भी सरकार के गठन और स्वरूप में काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है और इससे कई चीज़ें साफ होगी। इससे पता चलेगा कि क्या TMC अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रही है या BJP ने उसमें सेंध लगा दी है। तो खैर ये सब चीज़ें तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए और मैं आपको तीसरे चरण के बाद और मतदान पर या चौथे चरण की चीज़ें भी बताता रहूँगा। धन्यवाद। और एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और टिप्पणी के जरिए उत्साह बढ़ाएँ। धन्यवाद।